हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों? आई होप कि आप सभी की जो सीजीएल मेंस है उसकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी जो सीजीएल मेंस की तैयारी है उसी के लिए मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। देखो, ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, आप इजिली कर लोगे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या है जो एक टाइप है ना वो एक जगह इकट्ठी कर ली। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेडर बाई जुआर, मतलब एक जो व्यापारी है वो जुआर खरीदता है 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। अब 20% ऑफ द ग्रेन यानी 20% उसका वेस्ट हो जाता है। अब ही प्लान टू सेल द रिमेनिंग ग्रेन सो दैट ही मेक 40% प्रॉफिट। तो उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए, यानी उसने ज्वार खरीद दिया 30 रुपए की, 20% खराब हो गई, अब बचा हुआ भाई किस प्राइस पे बेचे ताकि उसको 40% का प्रॉफिट हो। देखो दोस्तों, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई पहले मान लो एक आदमी ने कुछ चीज खरीदी है। अब देखो, 100 की चीज मान लो उसने खरीदी है, अब वो होगी 80 की। अब उसको प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले तो उसको 100 पे आना पड़ेगा। भाई प्रॉफिट तभी कमाएगा जब जितने की उसने खरीदी है एटलीस्ट उस प्राइस पे आए, क्योंकि उसको इस प्राइस तो जाना ही जाना पड़ेगा। अब मान लो 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 105 पे जाने के लिए पहले आपका वो यहाँ से यहाँ है, फिर आपका 5% प्रॉफिट उसने गेन किया है। देखो, अब वो 100 से 80 हुई है कोई चीज, आप कहेंगे भाई 100 से 80 होगी यानी वो चीज आपकी 4/5 होगी। तो 4/5 कहेंगे हम, ये आपका 80। अब 80 से वापिस 100 पे जाने के लिए यानी जितना उसने लागत मूल्य लगाया था उस पे पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? देखो, वहां से 4/5 हुआ था तो यहाँ से आप उसका उल्टा कर लोगे यानी 5/4 कर दोगे, यदि 4 पे 20, 20 बजे यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इसी का यूज हमें इस क्वेश्चन में करना है। देखो, इस क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करना है वो देखो, उसने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी, अब उसकी 20% वो खराब हो गई है। 20% आप कहेंगे भाई 1/5 खराब हो गई है यानी 1/5 खराब होगी तो उसकी कीमत है आपकी वो 4 रुपए है। भाई पहले कुछ कीमत थी, अब 20% खराब होगी यानी 1/5 वह खराब हो गया। जो जो उसकी कीमत है, जैसे यहाँ पे 80 से 100 हुआ यानी आपकी 20 की कमी आ गई, 20 की 20% की कमी यानी 1/4। तो आपने क्या किया था, सॉरी, 20% की कमी मतलब 1/5, तो आपने क्या किया था, 4/5 कर दिया था। भाई 5 में से 1 भाग की कमी आ गई, ऐसे ही यहाँ पे 20% वेस्ट हो गया आपका यानी 1/5, 5 में से 1 भाग वेस्ट हो गया तो बचा कितना, 4 यानी 4/5। अब यहाँ पे थी कोई क्वांटिटी, अब वेस्ट हो गया उसकी कीमत यहाँ पे। अब उसको प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले उसको वापस इस पे जाना पड़ेगा 30 पे, तो यहाँ 4/5 हुआ है तो वहां पे आपका 5/4 हो जाएगा। अब यानी हम ऐसा करके उसके सीपी पे पहुंच गए। अब कह रहा है अब उसको 40% प्रॉफिट भी कमाना है, तो 40% प्रॉफिट आपका कमाना है तो गुणा 140/100। ये चीजें आप ध्यान रखिए कि भाई 140 यानी 40% प्रॉफिट होगा, 40% की वैल्यू होती है 5 यानी 5 पे आपका 2 का प्रॉफिट यानी उसकी कीमत हो जाएगी 7 टोटल, तो गुणा 7/ अब इसको सोल्व करोगे ये आपका आंसर है यानी 2 × 4 2 पे 15, 15 × 7 105/2, तो यानी आपका आ गया 1 पॉइंट, ये आपका आंसर है। तो इसी का जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, ये भी सेम टाइप है भाई। एक ऑयल रिफाइनरी है वो 3600 रुपये प्रति बैरल में तेल खरीदती है, अब 10% आपका वो खराब हो जाता है उसमें से। यदि रिफाइनरी का मालिक 5% लाभ कमाना चाहता है और उसे बिक्री मूल्य पर 8% कर सहित किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी यहाँ पे देखो 5% का लाभ भी कमाना चाह रहा है और जो टैक्स है वो भी वसूल रहा है उससे, यानी जो प्राइस होगा उस पर 8% टैक्स और लगा रहा है ताकि गवर्नमेंट को देश के। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना, मेथड अपना वही है भाई, ऑयल रिफाइनरी है 3600 रुपये प्रति बैरल खरीदता है, अब 3600 10% का आपका वेस्टेज हो गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, जो अपना मेथड है वो क्या है, वो था भाई 3600 थी, अब 10% वेस्ट हो गया, 10% वेस्ट मतलब 1/10 का वेस्ट हो गया, तो यानी उसकी क्वांटिटी बची 9/10। अब 9/10 से वो वापिस उसी क्वांटिटी पे जाने के लिए वो करना पड़ेगा उसको 10/9। अब 5% प्रॉफिट भी चाहता है, 5% प्रॉफिट आपका क्या होगा, 1/20 होता है 5%, यानी 21/20। फिर अब
8% को टैक्स भी लगाना है, यानी आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आ गया, अब इस पर टैक्स भी वो उससे वसूल रहा है, तो यानी नेट आपका कस्टमर को देना पड़ेगा टैक्स, गुणा 8% तो 160 बटे। तो देखो इसमें कैलकुलेशन आपकी हो रही है, लेकिन इसी को थोड़ा यदि मैं इजी कर लिखूं, ये देखो भैया आप 3600 था, 3600 था, अब 10% आपका वेस्ट हो गया, यानी 10% का वेस्ट होने के बाद अब वो वापिस पूर्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। तो यानी इसको यदि मैं काटूं तो ये आपका आ गया 4000 भाई, यानी उसने 3600 की खरीदी थी, अब 10% आपका जो वेस्टेज है उसको वेस्टेज मिला है, अब उसको यदि प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले इस वेस्टेज की पूर्ति उसको करनी पड़ेगी, और इस वेस्टेज की पूर्ति के लिए उसको एटलीस्ट 4000 रुपये में तो बेचना ही पड़ेगा। अब आगे कह रहा है भाई इसको 5% प्रॉफिट भी कमा रहा है और 8% टैक्स भी। देखो यदि मैं बात करूँ भाई 100 रुपये है मेरे पास, अब मुझे 5% प्रॉफिट कमाना है और मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है इस पे, भाई 5% का प्रॉफिट कमाना है 10% का टैक्स कमाना है, तो मैं पहले परसेंट ले लूं, फिर इसका 10% यदि मैं करूंगा तो 10.5, तो यानी 105 और 10.5 115.5 आ गया, या फिर मैं पहले 10 को ले लूं, भाई मेरे पास 100 था, पहले मैंने 10% प्रॉफिट ले लिया, ये 110 हो गया, अब इस पे 5% प्रॉफिट लूंगा, तो यानी 110 का 5% आपका 5.5 115, यानी आपका देखो ये दोनों सेम है, यदि दो लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं आपके 5% का 20% का 10% का, तो पहले कोई प्रॉफिट ले लो, उससे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे देखो भाई 4000 में तो बेचनी बेचनी है, अब इस पे कह रहा है 5% प्रॉफिट भी है और फिर आपको 8% प्रॉफिट भी लगाना है। देखो 5% प्रॉफिट यानी 4000 की तो बेचे बेचेगा, अब 5% प्रॉफिट लगा देगा तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, अब सेलिंग प्राइस आ गया उस पे 8% लगाना है, तो क्यों ना पहले ही हम यहाँ पे आपका 8% लगा दे, भाई कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ताकि हमारी, या फिर आपका 5% लगा के आप 8% लगा लो। देखो अब यदि मैं 8% लगा दूं तो 4 8 32 यानी आप कहेंगे 4 40 हो गया, अब इस पे आपका 5% प्रॉफिट लगा दो, अब 5% प्रॉफिट लगाएंगे इस पे तो यानी 1/20, 5% आपका 1/20 होता है, तो 0 से 0 कट जाएगी और 216 यानी 4320 और 216 यदि मैं इनको जोड़ूंगा, देखो कैसे कर सकते हो 536, या फिर यहाँ पे पहले आप लाइट चली गई है, तो जब लाइट आ जाएगी हम दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है, शॉपकीपर भाई 144 आइटम एट 90 पैसे ईच, ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन, ही सेल्स द रिमेनिंग आइटम्स एट रुपीज 1.20 ईच, ही गेन परसेंटेज करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी उसके उसने कुछ खरीदे 144 आइटम खरीदे 90 पैसे पर आइटम की कॉस्ट से, अब रास्ते में 20 आइटम टूट गए तो बाकी वो 1 रुपए 20 पैसे में बेचता है। देखो जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसका थोड़ा उल्टा है, देखो उसने खरीदे 144 आइटम, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या है परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए है, तो सीपी और एसपी चाहिएगा। देखो थोड़ा इसको इजी कैसे कर सकते हैं हम, भाई उसने 144 आइटम खरीदे आपके 90 पैसे, यानी उस साइड भी पैसे हैं, चलो 90 पैसे ही ले लेता हूँ मैं 90 पैसे के हिसाब से, अब 20 आइटम आपके टूट गए तो उसके पास बचे कितने, आप कहेंगे 124 बचे हैं, और वो 1 रुपए 20 पैसे यानी आपको कहेंगे कि भाई 120 पैसे की दर से वो बेच रहा है, ये सीपी है ये एसपी है। अब देखो सीपी एसपी है वो आपके किसी रेशो में है तब भी आपका प्रॉफिट सेम आएगा, यदि आप उसको काट दोगे या फिर आप मतलब नहीं काटोगे या काट दोगे रेशो को खत्म कर दोगे यानी, तो तभी आपका आंसर सेम आएगा। देखो या तो आप इसी गुणा करो इसी गुणा करो इसमें से एक घटाओ, देखो जैसे 10 और 20 है इनका परसेंटेज प्रॉफिट वही आएगा जब इनको मैं काटूंगा, एक रेशो 2 का परसेंटेज प्रॉफिट होगा जब इनको काटेंगे हम, देखो 30 90 30 के 120, अब 4 पे 4 12 4 1 4 और 4 12 4 6 24 यानी 36 108 और 31 24 यानी सीपी 108 और 124 आपका एसपी आ गया, इनको और काटना चाहो तो और काट लो, यानी 4 पे कट रहे हैं, तो 4 2 8 4 7 28 और 4 3 12 4 1 4 यानी 27 रेशो 31 आ गई। अब 27 रेशो 31 को यदि मैं सोल्व करूंगा तो 4/27 गुणा
सो अब यहाँ से आपका क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट निकल आएगा, क्योंकि ये आपका जो था वो आपका कॉस्ट प्राइस था और ये आपका था वो सेलिंग प्राइस था। देखो कैसे कर सकते हैं, इसको गुणा कर लो जल्दी से, या फिर इसको गुणा कर लो, अब प्रॉफिट निकालना आपको, तो एसपी माइनस सीपी बाई सीपी गुणा सो, या फिर आप 400/27 जब करेंगे तो आपका जो ये प्रॉफिट है ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हमारा ऑप्शन एक ही है 14.8। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है एज शॉपकीपर परचेज 510 एग एट द रेट ऑफ 20 पर डजन, यानी 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से उसने 510 अंडे खरीदे, रास्ते में 30 अंडे टूट गए, अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष अंडों को किस दर से बेचे। बेसिक बेसिक से आप सभी कर लेंगे। अब इसको हम छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अब छोटा तरीका ये नहीं है कि एक ही होगा, छोटे तरीके कितने भी हो सकते हैं, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा वो देखो, भाई उसने 510 अंडे खरीदे हैं 20 पर डजन, यानी बात डजन की चल रही है, यहाँ भी डजन का कुछ पार्ट है, वहां भी डजन का कुछ पार्ट होगा, तो इसको भूल जाओ। अब ये कहेंगे भाई सीपी सीधा मेरे लिए 20 है, अब 30 अंडे वो है टूट गए, तो सबसे पहले यदि उसे प्रॉफिट कमाना है तो इन 30 अंडों का जो टूट गए हैं इनसे जो लॉस हुआ है वो पूरा करना पड़ेगा उसको। अब 30 यदि मैं 510 की बात करूं, भाई इसका कितना भाग है, यानी जैसे हम वहां करते थे भाई 100 की चीज 80 में है, तो 80/100 4/5 यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/17, यानी उसका 1/17 भाग का क्या हुआ है, यानी 17 पे 1 का लॉस हुआ है क्योंकि अंडे टूट गए हैं। अब इसकी पूर्ति के लिए यानी मैं कहूंगा भाई 17 में से 1 अंडा टूट गया, यानी आपके 16 सही है, या फिर 17 में 1 का लॉस हो गया, तो जो कीमत हो जाएगी वो आपकी 16/17 हुई है, और अब इस कीमत से वापस उस कीमत पे जाने के लिए हमें करना पड़ेगा 17/16 × 17/16। देखो अंडे 30 टूट गए, अब बच गए जितने, अब कह रहा है अब उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो हमें अंडे जितने बच गए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है एटलीस्ट इतने पे तो उसको बेचने होंगे वो अंडे, यानी ये प्राइस उसका क्या है भाई, जो उसके अंडे टूट गए हैं उसकी पूर्ति कर दी इसने। अब 20% प्रॉफिट कमाने के लिए आप 20% क्या होता है 1/5 कर दो, 6/5, अब इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5 × 20 = 4 × 16, 2 × 4 = 6, 17 = 51/2, यानी आ गया 25.5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है भाई, एक ऑटो रिक्शा का एक ड्राइवर है, वो हर ट्रिप पर 20% का मुनाफा कमाता है, 3 पैसेंजर को ढोता है और पेट्रोल की कीमत 30 रुपए प्रति लीटर है। 20% का मुनाफा कब कमाता है, जब 30 पैसेंजर हो और पेट्रोल की कीमत 30 रुपए हो। एक ही यात्रा के लिए प्रतिशत लाभ का पता लगाए, यदि प्रति यात्रा 4 यात्री के लिए जाता है, यानी अब पैसेंजर 3 थे अब 4 हो गए, और पेट्रोल की कीमत 24 रुपए प्रति लीटर तक कम होगी, यानी पैसेंजर बढ़ गए पेट्रोल की कीमत कम होगी, तो इन दोनों से उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। देखो भाई वो कमा रहा है 20% प्रॉफिट, यानी 20% प्रॉफिट कमा रहा था पहले, अब भी 20% प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, प्लस आपका कुछ और प्रॉफिट कमा रहा है, तो देखो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 भाई, यानी यहाँ एक उसका सीपी था, 20% प्रॉफिट वो कमा रहा है, यानी उसका खर्चा होता था यहाँ, अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा रहा है वो देखो, ये कह रहा है भाई जो आपके पैसेंजर हैं जो पैसेंजर हैं वो आपके 3 से 4 हो गए, जब आपके पैसेंजर 3 से 4 हो गए हैं तो यानी मान लो पहले पैसेंजर से 1 रुपया ले रहा था, पहले वो 3 रुपया ले रहा था, अब वो 4 रुपया ले रहा है, यानी 1/3 भाग, यदि मैं भाग की बात करूं भाई, ये 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, 300 400 500 600 कुछ भी हो, हम यदि रेशो की बात करेंगे भाई पहले 3 थे तो अब 4 ले रहा है, यानी 1/3 भाग आपका यहाँ प्रॉफिट कमा गया वो। अब देखो 20% तो था ही, अब एक्स्ट्रा उसको 1/3 प्रॉफिट और हो रहा है, प्लस क्या हुआ पेट्रोल की कीमत भी आपकी जो है वो 30 रुपए से 24 होगी, यहाँ भी कुछ प्रॉफिट होगा। अब मुझे बताओ पहले आपको कोई चॉकलेट है वो 5 रुपए की मिल रही थी, अब आपको 2 रुपए की मिल रही है, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, आप कहेंगे भाई पहले 5 की थी अब 3 की मिल रही है, तो प्रॉफिट आपको 2 का हुआ है, 2/3 × 100, क्यों, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है और सीपी वो प्राइस होता है जो आप पे करते हो, तो अब उसने 3 रुपए पे किए हैं। ऐसे ही यहाँ भाई पहले वो 30 रुपए पे कर रहा था, अब उसने 24 पे किए हैं, यानी उसके 6 रुपए बच गए, तो जब प्रॉफिट की बात करेगा तो अब उसके लिए पेट्रोल के लिए सीपी क्या हो गया, 24 रुपए हो गया, तो 6/24 यदि परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें, यानी ये 1/4 प्रॉफिट वो यहाँ से अर्ज कर रहा है, तो 1/4 प्रॉफिट उसको यहाँ से अर्ज किया है, यानी 20% प्रॉफिट यहाँ से, फिर 1/3 यानी 33.33 यहाँ से, और फिर आपका जो 25% है वो प्रॉफिट उसने यहाँ से गेन किया है। देखो अब मैंने बताया था कि प्रॉफिट जब आपके सीरीज में हो तो आप किसी को भी पहले ले सकते हो, देखो यहाँ पे इस भाग में मैंने 3 पहले ले लिया, अब 1/3 का प्रॉफिट का मतलब है कि 3 से कोई चीज 4 होगी, फिर आपका यहाँ 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, अब वो चीज 5 होगी, फिर आपका जो 20% प्रॉफिट, इसको पहले लो या बाद में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1/5, 5 से वो चीज आपकी 6 होगी, तो टोटल आप यदि देखेंगे भाई 3 से उसको पहले 3 रुपए यदि उसका
प्रॉफिट हो रहा था, अब उसका 6 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसका जो प्रॉफिट है वो एकदम से डबल हो गया है। तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, कुणाल मेक्स 750 आर्टिकल एट द कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड ही वुड हैव बीन मेड प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द आउटलेट। हाउएवर 120 आर्टिकल है वो उसके खराब हो गए। अब उसको 630 आर्टिकल बेचे हैं उस प्राइस पे। देखो पहले जो प्रॉफिट था परसेंटेज था, अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेम है। क्यों? क्योंकि उसने जितना पहले प्रॉफिट था उसी प्राइस बेचने, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस पहले था अभी उसी सेलिंग प्राइस बेचने बाकी बेचे हैं। फाइंड द एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट एट द परसेंटेज ऑफ टोटल आउटले अज्यूमिंग दैट द अनसोल्ड आर्टिकल आर यूजलेस। यानी कुणाल ने 750 वस्तुएं कह रहा है बनाता है और विक्रय मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि केवल 600 वस्तुएं बेचने पर उसे 40% का लाभ हो गया। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि भाई जो 600 वस्तुएं हैं उनकी कीमत आप कहेंगे भाई 40% लाभ है, यानी 140% हो जाएगा आपका सीपी। भाई मान लो उसने टोटल 750 आर्टिकल खरीदे थे 60 पैसे पर आर्टिकल, अब इनको गुणा करेंगे तो इनका कुछ सीपी आएगा, और वो सीपी आप कह रहे हैं कि भाई उसने 600 वस्तुएं ही बेची हैं, तो वो आपका जो सीपी है वो कॉस्ट कवर हो गया, प्लस आपका जो 40% प्रॉफिट है वो भी उस पर गेन हो गया। अब ये कह रहा है 120 आर्टिकल आपके खराब हो गए, अब उसके पास 630 आर्टिकल बचे हैं और वो भी उसने इसी उस पर बेचे हैं, यानी जो आपका यहाँ पे जो 600 वस्तुएं हैं वो उसने बेची हैं 140% ऑफ सीपी पे, यानी आपका एसपी है। भाई जो एसपी सेलिंग प्राइस क्या है उसका 140% ऑफ सीपी, सीपी था आपका 750 गुना 60 पैसे। अब ये कह रहा है जो बच गए 30 आइटम, यानी 600 वस्तुएं ये बच गई, अब बच गए जो 30 आइटम है वो भी उसने इसी प्राइस पे बेचे हैं। तो यहां से यदि मैं निकाल लूं, देखो 30 का और यदि मैं प्रॉफिट मतलब मैं एसपी की बात करूं वो क्या आएगा, अब यहां से देखो भाई 600 वस्तुएं हैं 140% ऑफ सीपी है, अब इसको मैं यदि 20 से डिवाइड कर दूंगा इस साइड तो आपकी 30 वस्तुएं आ जाएंगी, 20 से डिवाइड करूंगा तो आपका 7% ऑफ सीपी आ जाएगा। अब टोटल आपकी 630 वस्तुएं होगी और ये होगी आपकी 147% ऑफ सीपी। अब ये कह रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या है, आपका प्रॉफिट परसेंट यहां से आपको पता है कि जो एसपी है वो 147% ऑफ सीपी है, यानी अगर वो 100 है तो आपका एसपी 147 हो गया, तो प्रॉफिट यहां से डायरेक्ट आ गया आपका 47%। तो नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट कह रहा है भाई एक किसान ने 749 भेड़ें खरीदी, उसने उसमें से 700 भेड़ों को 749 भेड़ों की कीमत पर बेच दिया, शेष 49 अन्य भेड़े 700 भेड़ों के समान मूल्य प्रति सिर पर बेची गई, तो लागत के आधार पर कुल लेन देन का लाभ। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका एक लाइन का क्वेश्चन, आपको एक कॉन्सेप्ट समझिए, भाई मेरे पास 50 वस्तुएं हैं, अब मैं 20 वस्तुओं को 10% लाभ पे बेचता हूं और बच गई 30 वस्तुएं उसको भी 10% लाभ पर बेचता हूं, तो मैं बिना देखे बोल दूंगा कि मुझे यू पूछे अभी टोटल 50 वस्तुएं बिकी तो कितना लाभ हुआ, तो मैं बोल दूंगा कि मुझे 10% का लाभ हुआ है। ऐसे आप देखो प्रूव करो भाई 20 वस्तुएं 10% लाभ के बेची, तो यानी लाभ आपका 20 का 10% हो गया 2, यहाँ पे भी 30 वस्तुएं 10 के लाभ पर, यानी आपका लाभ हो गया आपका 3, तो टोटल लाभ की बात करूं तो आपका हो गया 5, कितने पे 50 पे, यानी आपका 10%। तो देखो जो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक बात ध्यान रखना कि जो आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जो एक क्वांटिटी पे लाभ होता है वही आपका सभी क्वांटिटी पे लाभ होता है, बस वो क्या क्वांटिटीज बढ़ जाती हैं आपकी। नेक्स्ट देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, भाई 749 सीप उसने खरीद ली, उसने 700 बेची है, भाई मान लो 1 रुपए की आपकी एक सीप थी, यानी एक कीमत क्या है वो 1 रुपया थी, अब 700 जो उसने बेची हैं वो कितने रुपए की थी, वो 700 रुपए की थी, 700 उसने बेच दी 700 रुपए की, यानी जो 700 रुपए की उसने क्या है खरीदी थी 700 भेड़, और उसने बेची कितनी है 749 की, अब बच गई 49 उसी कीमत पर बेची है, तो यानी टोटल 749 भेड़े थी। अब यदि मैं 700 पे प्रॉफिट निकाल लूंगा और जो 49 पे प्रॉफिट है ये कह रहा है भाई सेम प्राइस पे बेची है, यानी वहां जो प्रॉफिट था यहां भी वो प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट भी आपका सेम रहेगा, तो मुझे सिर्फ यहां से प्रॉफिट निकालना है, भाई 700 है वो 749 की बेची है उसने, क्योंकि एक भेड़ की कीमत 1 रुपया थी, तो 749 उसने खरीदी थी उसकी कीमत 749 रुपए थी, अब उसने 700 रुपए मतलब 700 ही भेड़े बेची हैं और 749 के बराबर, यानी टोटल भेड़ों का जो सीपी था वो पूरा कर लिया। अब यहां से यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं भाई इन 700 पे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे 49/700 × 100 ये आ गया 7, अब 7% इन पे प्रॉफिट हुआ, जो बच गई उन पे भी 7% प्रॉफिट होगा, और जो मैंने बताया था कि जो टोटल आपके जैसे क्वांटिटी डिवाइड की है और सेम प्रॉफिट है दोनों पे, तो टोटल प्रॉफिट भी आपका इतना ही होता है, यानी आपका आंसर आ जाएगा यहां से 7%। नेक्स्ट है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो क्वेश्चन होंगे आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। देखो, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 40% उसने कॉस्ट प्राइस से ऊपर उसकी कीमत रखी। अब 70% ऑफ द गुड उसने मार्क प्राइस पे बेचे और रेस्ट उसने 40% डिस्काउंट पे बेचे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? यहाँ पे देखो भाई, 70% है, यानी आप कहेंगे टोटल आपके 10 आइटम है तो उसने 70% आप कैसे निकालते हैं? 70/100 यानी 7/10 आइटम बच गए, कितने? 3/10 बच गए। भाई कह रहा है 7/10 आइटम उसने 40% अबाव कॉस्ट प्राइस पे बेचे हैं, यानी मार्क प्राइस क्या है वो 40% अबाव है, यानी 140% पे हैं ये, हम कहेंगे। प्लस आपका क्या है, जो रेस्ट बच गए यानी 3/10 बच गए, वो उसने 40% डिस्काउंट पे बेचे हैं। देखो डिस्काउंट किस पे है, मार्क पे, यानी 3/10 है उनका मार्क प्राइस आपका 140% हो गया। अब इस पे 40% डिस्काउंट, अब 40% डिस्काउंट आपका क्या होता है, 2/5, 40/100 होता है 2/5। कहने का मतलब है कि 5 पे आपका 2 का डिस्काउंट, यानी बिके कितने पे हैं, तो आप कहेंगे 3/5 पे। भाई 40% डिस्काउंट दे दिया तो 60% पे तो बिके हैं, अब बिके कितने पे हैं यहाँ पे, आप कहेंगे 3/5 और कर दो, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो 14 से 98 प्लस यहाँ से आ गया 14 से 42, 42 3 से गुणा करेंगे, 3 × 6 और 4 × 12, अब ये काटेंगे तो 5 × 10 25 और आपका 2 × 5 = 10, जब इसको जोड़ेंगे 0.2 8 × 5 = 13, 9 × 2 = 11 और 1 = 12, यानी जो आपका प्रॉफिट है वो आपका 123, मतलब जो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 123.2% आएगा। और बात करूं मैं यदि प्रॉफिट की, तो आप कहेंगे इसमें से 100 घटा देंगे तो आपका आ गया 23.2%। देखो इसको ऐसे सोल्व ना करके आप इसको एक तरीके और से सोल्व कर सकते हो, जो आपने 140% लिया है इस परसेंटेज को भी खत्म कर दो। जैसे देखो अब 40% उसने किया मार्क्स, यानी 40% 140/100 आप कहेंगे 7/5, अब उसने 7/10 भाग आपका 7/5 पे बेचा है, यानी 7/10 भाग का सेलिंग प्राइस ये आ गया, प्लस जो 3/10 है वो 7/5 पे तो बेचा ही बेचा है, प्लस उसने छूट दे दी 40% की, तो बेचा है आपका कितना 60% पे, यानी 3/5 यहां से आ गया। तो यहां से आप 7/5 कॉमन ले लोगे तो 7/10 प्लस आपका आ गया 9/45, यहां से आप सोल्व कर लोगे ये 90 आ गया और 9 × 7 = 63 प्लस 18, अब यहां से आप जो सोल्व करोगे आपका आंसर वही आएगा 23.2%, आप सोल्व कर लेना। तो नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट देखो राधा मार्क हर गुड, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका सीजीएल में आया है, ये सीजीएल मेंस में आया है कई बार। कह रहा है राधा अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है, वह 35% माल मार्क प्राइस पर, 40% 15% छूट पर और शेष 20% छूट पर बेचती है, तो उसका कुल लाभ कितना है, ये देखो यहां से यदि मैं 25% अबाव की बात करूं तो आप कहेंगे भाई 125% पे बेचा उसने, यानी 125/100 उसके 5/4 पे उसने बेचा। अब कह रहा है भाई 35% ऑफ द गुड, यानी 35/100 यानी 7/20 भाग मार्क प्राइस पे बेचे, मार्क प्राइस आपका 5/4 है, यानी ये बेचे आपके इस प्राइस पे, प्लस आपका कह रहा है 40% कितने होते हैं आपके 2/5, तो 2/5 इस मार्क प्राइस पे तो बेचे बेचे हैं, इनटू उसने क्या किया आपका 15% डिस्काउंट भी दे दिया, तो 15% डिस्काउंट क्या होता है 15/100 यानी 3/20, यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट, तो बिकी चीज कितने पे है आपकी 17 पे बिकी है 20 की चीज, यानी 17/20 प्लस आपका कह रहा है भाई देखो 7/20 बेच दिया 2/5 बेच दिया, तो बचा कितना, अब क्या करो बचा हुआ निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, यहाँ 35 आ गया, यहाँ 40 आ गया और नीचे इनकी गुणा कर दो 2/100, यानी 35 और 40 आपका 75/100 3/4 भाग, तो ये कवर हो गया, बच गया आपका 1/4 भाग, तो यानी बचा हुआ आपका जो 1/4 भाग है वो इसने 5/4 पे बेचा ही बेचा है, प्लस आपका क्या कह रहा है भाई 20% डिस्काउंट पे बेचा है, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5 यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो कीमत होगी 4/5, तो गुणा 4/5, अब यहां से आप 5/4 कॉमन ले लो, ये आ गया 7/20 प्लस 34/100 प्लस 4 से 4 कट गया 1/5, यानी 5/4 इंटू यहाँ से 100 एलसीएम ले लो, 20 × 5 = 35 प्लस 34 प्लस 20,
यहां से आप इसको सोल्व करोगे, 5/4 इन 5 और 4 9 और 3 3 6 2 8 बटे, तो अब 5 से गुणा कर दो, 9 5 45 8 5 40 और 4 44 बटे 4 गुणा, अब 4 से गुणा करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा सॉरी, 4 एकम 4 4 एकम 4 अब 4 एकम 4 पॉइंट आपका क्या आ गया, पॉइंट आपका आ गया, यानी मैं 4 से डिवाइड किया है तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 एकम 4 अब आपका बच गया 10, यानी 4 2 8 फिर 2 और 4 5 30 ये आपका आ गया 111.25। अब नीचे 100 भी है तो यानी ये आपका आ गया, देखो नीचे 100 आ गया, हमने ऊपर क्या है परसेंटेज खत्म करने के लिए, आपका पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने क्या किया था, गुणा आपका यहाँ पे परसेंटेज लिया था डायरेक्ट, यानी हम यहाँ पे यदि 125 परसेंटेज लेते हैं तो तब आपका आंसर में क्या होता था, यानी परसेंटेज की फॉर्म में आपका आंसर आ रहा था, यहाँ आपने परसेंटेज खत्म करने के लिए बटे 100 किया है तो लास्ट में यदि आप गुणा में 100 कर देंगे, बटे 100 गुणा 100 है तो यानी आपका डायरेक्ट आ जाएगा 111.25 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आपको जब सीपी निकालना है तो इसमें से 100 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.25%। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कह रहा है, अ पर्सन सेल रसगुल्ला एट ₹15 पर केजी, रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ फ्लोर एंड शुगर इन द रेशो 5:3। अब जो प्राइस है आपके चीनी और आटे के वो 7:3 में है, यदि उसको 66 से 2/3 प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस शुगर का क्या है, या फिर आपसे आटे का पूछ लेगा कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो आपने एलिगेशन में एक चीज पढ़ी है, अगर आपने एलिगेशन किया है तो आपका यहाँ पे क्या है, एलिगेशन आपने ऐसा ऐसा देखा होगा भाई, जो यहाँ पे प्राइस होता है वो जो नीचे है वो क्वांटिटी आती है, तो इसी कॉन्सेप्ट का अपने को यूज करना है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है और इनसे जो मटेरियल बना है मिलके उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो नीचे बड़े में से छोटा घटाएंगे तो नीचे जो रेशो आएगी वो इनकी क्वांटिटीज की रेशो होगी, बस किस रेशो में क्या क्वांटिटी मिली थी। अब आप देखो भाई उसने 66 से 2/3 प्रॉफिट अर्न किया है, यानी यदि मैं सीपी की बात करूं, देखो 66 से 2/3 प्रॉफिट होता आपका 2/3, यानी 3 पे आपका 2 का प्रॉफिट, भाई सीपी 3 था, 2 का प्रॉफिट हो गया, एसपी हो गया 5, और यहाँ कह रहा है भाई उसका सेलिंग प्राइस 15 है, यानी 5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू आई 9, यानी हमें सीपी तो मिल गया भाई, जो दोनों है उनका सीपी कितना है, 9 रुपए पड़ा है। अब इंडिविजुअली उसका सीपी कितना है, अब प्राइस है, यानी यहाँ मैं शुगर की बात करूँ और यहाँ फ्लोर की बात करूँ, तो आपका जो प्राइस है वो 7:3 में है, यानी यहां से मैं कहूंगा इसका प्राइस 7 के है तो इसका 3 के है, और जब ये मिक्स हुए हैं तो इनका प्राइस आ गया 9। अब यहां से ये देखो, अब नीचे आती थी क्वांटिटी की रेशो, अब क्वांटिटी की रेशो दे रखी है आपकी फ्लोर और शुगर की, वो 5:3 है, यानी फ्लोर 5 है तो ये 5 हो गया तो ये 3 हो गया। अब यहां से एलिगेशन लगा के आप इसका मान निकालो, कैसे निकालते हैं, इसकी इसकी गुणा कर दो और इसकी इसकी गुणा कर दो, यानी 7 3 21 के प्लस 5 3 15 के इसकी वैल्यू होगी ये बीच वाला गुणा इन दोनों का सम, यानी 5 और 3 8, यहाँ से 36 के हो गया आपका बात, ये हो गया आपका 2, यानी के 2 हो गया तो इसकी कीमत होगी 14 और इसकी कीमत होगी आपकी 6। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 80 केजी ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिसाइड्स 1 केजी राइस वाज ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 20 केजी ऑफ राइस एट द मार्क प्राइस, यानी दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा, भाई उसने 80 किलोग्राम खरीदा, अब 10% की छूट मिली है उसको, यानी इस 80 किलोग्राम के लिए उसने पैसे कितने दिए हैं। आप कहेंगे भाई 80 का 10% आपका 8 किलोग्राम होता है, तो यानी 8 किलोग्राम का उसका डिस्काउंट मिल गया, तो यानी उसने पैसे दिए हैं 72 किलो के ही, भाई 80 किलो खरीदने गया था, 72 किलो के उसने पैसे दे दिए। अब कह रहा है 1 किलोग्राम राइस उसको फ्री दिया गया और परचेज ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ राइस, वो खरीदने गया था आपका 80 किलोग्राम राइस, यानी खरीदी उसने 80 किलोग्राम राइस है, लेकिन उसने कीमत दी है आपकी 72 किलोग्राम की, और कह रहा है उसको पर 20 किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम फ्री दिया गया, तो 80 किलोग्राम जो उसने खरीदा है इस पे 4 किलोग्राम फ्री दिया गया है, यानी टोटल उसने सामान खरीदा कितने का है। आप कहेंगे 84 किलो का सामान खरीदा है, भाई वो खरीदने गया था 80 किलो, अब उसको 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा दे दी, यानी दी गई 84 किलो, लेकिन उसने जो कीमत पे की है वो उसने 72 किलो की है, तो 1 किलोग्राम का यदि मैं 1 रुपया मानूं तो 72 की उसने पैसे दिए और खरीदी उसने 84 किलो है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया आपका। आप कहेंगे 12 का 12 बटे सीपी, सीपी उसने जो पेमेंट की है 72 गुणा तो 12 6 72, तो ये आपका 100/6 ये होता है 16 से 2/3, यानी 50/3 ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।